जय हिंद फ्रेंड्स। वो एक टेक्निकल त्रुटि मुझसे आमतौर पर हो ही जाती है कि मैं स्पीकर को ऑन करना भूल जाता हूं और उसकी वजह से फिर से रिपीटिशन करना पड़ता है, तो मैं उस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन कल हमने वॉरेन हेस्टिंग के चैप्टर को पूरा किया और मैंने कल आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। सफल शासक वही है जो प्राथमिकता के हिसाब से नीतियों का क्रियान्वयन करता है, नीतियों का निर्माण करता है। कॉर्नवालिस हिंदुस्तान पहुंचा, वो कहानी मैंने कल आपको बताई ही, वीटो की शर्त पे पहुंचा कि मुझे वीटो चाहिए। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है जिसको वीटो की शक्तियां दी गई। बिना अर्थव्यवस्था के कुछ ना तो परिवार चल सकता है और ना ही राष्ट्र, दोनों नहीं चल सकते। बिना अर्थव्यवस्था के सिर्फ तालिबान ही राष्ट्र चला सकता है, यह भी उनकी एक मजबूरी है सर। बिना अर्थव्यवस्था के ना तो राष्ट्र चल सकता है और ना परिवार। तो किसी भी शासक की जो पहली प्राथमिकता होती है वह है इकॉनमी, तो कॉर्नवालिस की भी थी। तो उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार शुरू किया और पहला जबरदस्त काम किया, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। सबसे महत्वपूर्ण काम, पहला नहीं, सबसे महत्वपूर्ण काम परमानेंट सेटलमेंट 1793। तो हेडिंग डाल लीजिए परमानेंट सेटलमेंट 1793। तीन चीजें डिस्कस करेंगे, पहला क्या है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा क्यों, और तीसरा मूल्यांकन। क्या है परमानेंट सेटलमेंट, क्यों है परमानेंट सेटलमेंट, और तीसरा मूल्यांकन। अब पहला डिस्कस करेंगे क्या है परमानेंट सेटलमेंट। तो जमींदारों को भूस्वामी डिक्लेयर कर दिया गया कि जमीन का मालिक कौन, जमींदार। हालांकि प्री मॉडर्न इंडिया में जो मालिकाना हक था वो अधिकार पे था, राजा, जमींदार, कृषक, सबके अधिकार थे और ड्यूटियां थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। व्यक्तिक संपत्ति का जो अधिकार है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो जमींदारों को भूस्वामी डिक्लेयर कर दिया गया, इसका पहला फीचर परमानेंट सेटलमेंट का। दूसरा लगान 10/11 कंपनी को और 1/11 जमींदार को, कमीशन। अब लगान और राजस्व दोनों में फर्क है। लगान मतलब रेंट, आपने एक मकान किराए पे लिया, आप उसमें रहते नहीं, आप उसमें कोई काम नहीं करते, ताला लगा दिया आपने, पर रेंट तो देना पड़ेगा ना। रेंट किस पे, पोजेशन पे। किसी चीज का पोजेशन आपके पास है, रेंट देना पड़ेगा अगर उसका मालिक कोई और है तो। राजस्व किस पे, उत्पादन पे, प्रोडक्शन पे। कितना, 2 करोड़ 68 लाख। 2 करोड़ 68 लाख। और ये तीनों फीचर हमेशा के लिए फिक्स कर दिए गए, इसीलिए इसको कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। जमींदार, भूस्वामी, लगान 10/11 कंपनी को, 1/11 जमींदार को, और राजस्व। ये बात याद रखिएगा, रेंट जो है वो पोजेशन पे है, रेंट पोजेशन पे है और राजस्व उत्पादन पे है। आपने मकान लिया किराए पे, आप ताला लगा के बैठे हुए उसमें कुछ काम नहीं करते, पर लगान तो देना पड़ेगा, रेंट तो देना पड़ेगा। लेकिन आपने उसमें एक छोटी सी कॉटन फैक्ट्री लगा दी, अब उस पर राजस्व भी देना पड़ेगा। और ये तीन चीजें हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई, इसीलिए इसको कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। अब सवाल यह उठा कि क्यों, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। अब आपने देखा होगा कि जहां भी फिक्स सैलरी है
वहां जीवन में स्थिरता है। आप में से कई लोगों को दिल्ली में रहते होंगे, उनके माँ बाप उनको 25,000 रुपये महीना खर्चा देते हैं पर आपको कम पड़ जाता होगा। बहुत लोगों की सैलरी है 25,000, उसमें उनका पूरा परिवार चलता है। और कल मैंने आपसे कहा कि कंपनी के कई सारे उद्देश्य थे, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना था, एक्सपेंशन करना था, कंसोलिडेट करना था, और सब चीजों के लिए उसे पैसे की जरूरत थी। इन सब उद्देश्यों के लिए उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए पैसे की आय को स्थिर करना बहुत जरूरी था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कितनी रकम कहां पे खर्च की जाएगी। तो इसका पहला फायदा हुआ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यह इसका पहला फायदा हुआ। अब कंपनी के बड़े सारे उद्देश्य, औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन, विस्तार को प्रोत्साहन, बंगाल में कंसोलिडेशन, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा, तो कंपनी को एक वित्तीय स्थिरता मिल गई। उसको पता है 2,68,00,000 रुपया हर साल आएगा, तो 2,68,00,000 आ रहा है, 2,68,00,000, तो अब खर्चा इसी में से करना है। यह पहली अचीवमेंट थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कल मैंने आपको बताया कि अकबर की राजपूत पॉलिसी का महत्व, विदेशी हैं वो, दो गुटों से लड़ना है उन्हें, एक हिंदू सरदारों से, एक तुर्क सरदारों से, तो उन्हें एक स्थानीय मजबूत सहारा चाहिए। अभी जो जमींदार परमानेंट सेटलमेंट में बने, इनका अस्तित्व का कारण कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जमींदार कंपनी के सबसे बड़े सहयोगी बने। बंगाल का एक ताकतवर तबका कंपनी का सहयोगी बन गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। मुट्ठी भर जमींदारों से, मुट्ठी भर रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना, कितना बोझ है और कितना खर्च है, वो भी तब जब आप उस देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से परिचित नहीं हो, वो भी तब जब आप उस देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से परिचित नहीं हो। तो एक राजस्व विभाग की स्थापना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मुट्ठी भर जमींदार, मुट्ठी भर जमींदार राजस्व एकत्रित कर आपको देंगे, उनकी जिम्मेदारी। अब किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है, कौन मर रहा है, आपको मतलब ही नहीं। ये तीन तरह का अस्थायित्व कंपनी को मिला। और इनिशियल दौर में, आरंभिक दौर में, इनिशियल फेस में यह कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ, बहुत लाभकारी साबित हुआ, बहुत लाभकारी साबित हुआ। लेकिन समय के साथ साथ लेटर ऑन इसमें कुछ बड़ी कमियां भी रहीं। पहली कमी कि कृषि में जो भी विकास हुआ, विस्तार हुआ, कृषि की आय में जो भी विकास हुआ, इंक्रीज फ्यूचर में किसी भी तरह का कि जो कृषि में वृद्धि हुई, कृषि के इनकम में वृद्धि हुई, उससे कंपनी वंचित हो गई। कौन सी वृद्धि? अब जब तक कृषि किसानों के हाथ में थी, वो चावल पैदा करता था, गेहूं पैदा करता था, लेकिन धीरे धीरे जमीन महाजनों के हाथ में आ गई, और जब महाजनों के हाथ में आ गई तो वो कैश क्रॉप पैदा करने लगे, ओपियम, इंडिगो। अब एक कुंटल गेहूं 1,500 रुपए का,
एक कुंटल अफीम 15 लाख रुपए की। तो फ्यूचर में कृषि की आय में जो वृद्धि हुई कृषि के कमर्शियलाइजेशन की वजह से, उससे कंपनी वंचित हो गई। दूसरी पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बंगाल की एक्सट्रीम किसानों की अत्यधिक गरीबी का कारण बनी। और तीसरा बिचौलिया वर्ग, मिडलमैन, मिडलमैन जिन्होंने बंगाल के किसानों को अपंग कर दिया। यह था परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस का। तो जो कृषि में सुधार वॉरेन हेस्टिंग करना चाह रहा था, उसको अंतिम परिणति अंतिम फेज तक पहुंचाया कॉर्नवालिस ने। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में यह सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा। ट्रेड एंड कॉमर्स में, ट्रेड एंड कॉमर्स में उसने कॉन्ट्रैक्टरों, कॉन्ट्रैक्टर्स के रोल को खत्म कर दिया। ये माल को सस्ते दाम पे लेते थे और कंपनी के ऊंचे दाम पे बेचते थे, कंपनी को घाटा होता था। ठेकेदारी आज भी भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ठेकेदारी आज भी भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अगर एक शब्द में पूछा जाए कि भारत की बर्बादी का सबसे बड़ी वजह क्या है, वह है ठेकेदारी। सीडीओ ने पास किया 5 करोड़ का बजट कि ठंडक में बच्चों को स्वेटर जाना चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स जाना चाहिए, ब्राउन बीटा जाना चाहिए। बच्चों तक कुछ भी नहीं पहुंचा, 5 करोड़ गायब। ठेकेदारी खत्म कर दिया। कमर्शियल एजेंट्स, इसकी जगह पे इसने बनाया कमर्शियल एजेंट्स एंड रेजिडेंट्स, कमर्शियल एजेंट्स एंड रेजिडेंट्स। इससे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित किया। अब अर्थव्यवस्था के बाद दूसरा जो इसने कदम उठाया, सेकेंड कॉर्नवालिस कोड, पहले इकॉनमी फिर जुडिशरी। कॉर्नवालिस कोड इज रिलेटेड टू जुडिशरी। और कल मैंने आपसे कहा था कि किसी भी राज्य का संचालन जुडिशरी के बिना तो हो ही नहीं सकता। और वॉरेन हेस्टिंग ने एक रूडिमेंट्री व्यवस्था बना दी थी, दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, आदिम, इसने उसको सुव्यवस्थित किया। कैसे? पहला कदम हायरार्की, दीवानी कोर्ट्स में हायरार्की, हायरार्की जो दीवानी अदालतें थी उसमें हायरार्की, कलकत्ता काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, रजिस्ट्रार्स, मुंसिफ्स, हायरार्की, पदानुक्रम, मुंसिफ, मुंसिफ, मुंसिफ,
दीवानी अदालतों का पदानुक्रम मुंसिफ, रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट्स, ये था सुप्रीम कोर्ट, ये था हाई कोर्ट, फोर प्रोविंशियल कोर्ट्स थी, फोर, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज इट इज, लोअर कोर्ट, मुंसिफ्स। पहला काम, जुडिशरी में पहला सुधार, दीवानी जो अदालतें थी उनको पदानुक्रम दिया। तो मुंसिफ कोर्ट 50 रुपए तक का जितना मामला है ये मुंसिफ कोर्ट देखेंगे। ₹200 तक का मामला रजिस्ट्रार की कोर्ट देखेगी। इन दोनों की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। यह था हायरार्की, पदानुक्रम। पहला काम, दीवानी कोर्ट्स की हायरार्की बनाई। दूसरा, फौजदारी अदालतों को खत्म कर दिया, उसकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, जिला जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ये फौजदारी मामलों को देखते थे। इनसे अपील कहां सुनी जाती थी? सर्किट कोर्ट्स में। इनकी अपील सदर निजामत। फौजदारी अदालत, लेकिन फौजदारी अदालत को सिर्फ व्यवस्थित ही नहीं किया, फौजदारी कानूनों में भी सुधार किया, क्रिमिनल लॉज, ऑल द प्रीवियस हार्श मेथड्स, हार्श, एन आई फॉर एन आई वेर एंडेड, ऑल द प्रीवियस मेथड्स, एन आई फॉर एन आई, ऑल द प्रीवियस हार्श मेथड्स, जो पूर्व के मुगल कानून थे, जो इस्लामिक लॉज पे आधारित थे कि किसी ने आपकी आंख निकाली आप भी उसकी आंख निकाल लो, खत्म कर दिया। चोरी करने के लिए हाथ काट दो, खत्म कर दिया। धर्म और जाति की जो विशेष सुविधा थी, विशेष छूट, विशेष रिलैक्सेशन, खत्म कर दिया। और भारत में विधि की सार्वभौमिकता, सोवर्निटी ऑफ लॉ की नींव रखी। विधि की सर्वोच्चता, विधि, कानून सर्वोच्च है, धर्म सर्वोच्च नहीं है, जाति सर्वोच्च नहीं है, उसकी नींव रखी। किसने? कॉर्नवालिस ने। तो अर्थव्यवस्था में सुधार किया, न्यायालय में सुधार किया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पहला जबरदस्त काम किया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर,
के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का गठन, प्रशासनिक संरचना का गठन, किस सिद्धांत पर? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर प्रशासनिक संरचना का गठन। एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके लिए? रेवेन्यू के लिए। डिस्ट्रिक्ट जज किसके लिए? जुडिशरी के लिए। एसपी सिटी किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए। कॉर्नवालिस की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। इसीलिए इसे सिविल सेवा का, मॉडर्न सिविल सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने आधुनिक सिविल सेवा को, मॉडर्न सिविल सेवा को मॉडर्न सिद्धांत पर आधारित किया। कौन सा सिद्धांत? सेपरेशन ऑफ पावर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियरी के लिए, एसपी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। दूसरा, पुलिस विभाग का जन्मदाता, फादर ऑफ मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट। इस मामले में हम ब्रिटेन से भी अग्रणी हैं, ब्रिटेन से पहले हमारे यहां इस चीज की स्थापना हुई। तो पुलिस डिपार्टमेंट बनने से पहले लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता था? जमींदार। ये क्वेश्चन एक बार आईएएस के प्रॉब्लम्स में पूछा गया कि पुलिस डिपार्टमेंट बनने से पहले लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था? जमींदार के हाथ में। इसने मॉडर्न पुलिस विभाग की स्थापना की, शहर को थानों में बांट दिया गया। थाना, प्रत्येक थाने का इंचार्ज दरोगा और शहर के सारे दरोगों के ऊपर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इतना शक्तिशाली पद है दरोगा, शक्तिशाली, उच्च नहीं है, शक्तिशाली। एक दादाजी मुकदमा लड़ रहे थे 20 साल से। तो 20 साल बाद जब वो मुकदमा जीते, तो जज ने उनसे पूछा कि दादाजी कैसा लग रहा है आपको, मेरी न्याय व्यवस्था पर खुशी है या नहीं? बोले, बेटा अच्छा तो बहुत लग रहा है, और तुम्हारी न्याय व्यवस्था पर खुशी भी मैं बहुत हूं, लेकिन तुम्हारे न्याय व्यवस्था से ज्यादा मुझे दरोगा की ताकत का एहसास हो गया। न्यायाधीश ने कहा, कैसे? कहा, जब ये केस हुआ था तभी उसने मुझसे कहा था 5,000 दे दो, रफा दफा कर दें। ये मुकदमा यहां तक आता ही नहीं। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे कीमती पद है दरोगा। हमारे मित्र बताते हैं कि जब उनका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया तो एसएचओ थे पहले, तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को बताया कि हम तो एसपी हो गए, आईपीएस हो गए। बोले, आईपीएस आईपीएस चाहे कोई हो गए, दरोगा की नौकरी मत छोड़ना। बोले, हो तुम चाहे जो गए हो, लेकिन दरोगा की नौकरी मत छोड़ना। तीसरा कदम, ब्राइव, करप्शन और प्राइवेट ट्रेड पर प्रहार। ब्राइव, करप्शन, घूस, भ्रष्टाचार और निजी व्यापार पर प्रहार। कैसे? इसने अधिकारियों की सैलरी बढ़ा दी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सैलरी 1500 रुपीज पर मंथ,
1793 में 1500 रुपया, और 1% कमीशन सारे रेवेन्यू कलेक्शन में। एक्चुअली इस दुनिया में सबको मजा चाहिए, सबको, सब मजे के पीछे परेशान है सब। लेकिन मजा का एक सिद्धांत है। हमारे एक मित्र हैं एमवे में, तो हमको बड़ा पुल करते थे वो, आज से 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की, तो बड़ा वो हमको परेशान करते थे कि यार यार अवध एमवे ज्वाइन कर लो यार, तुम बहुत काबिल आदमी हो। हमने कहा यार ये बात हमको नहीं पता कि हम काबिल हैं, तुमको कैसे पता? क्या नहीं, तुम बहुत काबिल आदमी हो और ये है। हमने काबिल भले ना हो, बेईमान भले हैं तुम, लगता है मेरी बेईमानी से बड़े प्रभावित हो। कहे नहीं नहीं हमने कहा नहीं, सीधे कह नहीं पा रहे हो तो इसलिए काबिल काबिल कह रहे हो, लेकिन बताओ दिक्कत क्या है। कहे यार एमवे का एक सेमिनार ज्वाइन करो। हमने कर लेंगे यार सेमिनार, कर लेंगे, सेमिनार में क्या? कहीं 30 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, हमका टिकट तो हम ना लेंगे। कहीं अच्छा उधार समझ के हमको 30 रुपए दे दो। काफी अच्छी मित्रता है, आज भी है, तो मैंने कहा चलो यार अच्छा चलो तुम्हारे सेमिनार करते हैं। इलाहाबाद में जो वो है मुस्लिम बोर्डिंग, मुस्लिम हॉस्टल जो है, उसी बगल में कोई हॉल वगैरह है, वहीं पे उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। तो गए तो वो एक ओरेटर साहब आए थे, वो शुरू हुए एकदम बिग बैंग करते हुए आए बोर्ड पे, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज नहीं आई, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है, क्या हम जोश वाले लोग नहीं? अरे मैंने कहा भैया ड्रामा बंद कर, जोश बहुत है, कहा दे काम की बात कर, काम की। तो उन्होंने एक बोर्ड था, ऐसे ही बोर्ड था, तो उसे बोर्ड पे दिखा काफी पैसा बिखरा हुआ है। नहीं नहीं पहले उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा मकान दिखाया, बोले किसको चाहिए? सब काफी लोगों ने हाथ उठाया, हमको चाहिए, हमको चाहिए। हमारे मित्र ने हमारी तरफ देखा, बोले तुमको नहीं चाहिए? हमने कहा छोड़ो यार, मकान मकान ईटा गारा कौन लेके ढोएगा यार, छोड़ो हमको नहीं चाहिए। फिर दूसरा स्लाइड उन्होंने दिखाई, बड़ा पैसा बिखरा हुआ था, बोले ये किसको चाहिए? ला रहे सबने हाथ उठा दिया, हमको चाहिए। फिर भी मैंने नहीं उठाया, जाने दे यार। कहे यार वह तुमको पैसा भी नहीं चाहिए? हमने कहा पैसा किसी के देने से नहीं आता, नहीं तो सब मुकेश अंबानी बन जाए। अर्निंग इज एन आर्ट। फिर उन्होंने खूबसूरत सी फिर बंगला दिखाया, विला दिखाया, विला के साथ स्त्री दिखाई, बोले ये किसको चाहिए? मैंने हाथ उठा दिया, बोले भैया। ओ उन्होंने कहा यार हाथ नीचे करो यार, बदतमीजी को तो हमेशा बदतमीजी करते रहते हो। मैंने कहा भैया मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, वो दिखा रहे हैं। तो फिर वो लगे बताने कि आप ऐसे करोगे, रिक्रूटिंग करोगे। चलिए अच्छा बिजनेस है, मैं उसको बुरा नहीं कहता, हर चीज अच्छी है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हर आदमी को अपने ढंग से जीवन यापन करने का एक वो है, अधिकार है, अच्छा है। चेन बनाना, मार्केटिंग करना, वो अच्छी चीज है, उसको मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगा? इस दुनिया में सबको मजा चाहिए। लेकिन मजा जो है वो बाई प्रोडक्ट है, किसका? मेहनत का। मजा जो है, मजा मेहनत इज इक्वल टू मजा। और बेहोशी वाली मेहनत नहीं, मजदूरों वाली, जागृत होश में की गई मेहनत। और तुम मेहनत नहीं करोगे, नेचर करा लेगा, उसकी तुम चिंता छोड़ दो, तुम्हें चिंता ही छोड़ दो, कुछ चीजों की चिंता छोड़ दो कि मैं जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहता। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? चाहने से तो अपनी सांस तो तुम रोक ही नहीं सकते, कायदे से खाने के बाद प्रेशर बन जाए तो तुम रोक ही नहीं सकते, अपनी शरीर पर तुम्हारा अपना नियंत्रण ही नहीं है।
पहले शरीर पर तो नियंत्रण करना सीख लो। घूस, भ्रष्टाचार और प्राइवेट ट्रेड पर प्रहार। और चौथा कदम, भारतीय सेवाओं का यूरोपियनाइजेशन। यूरोपीयकरण, भारतीय सेवाओं का यूरोपीयकरण। उसने कहा जिस पद पर यूरोपीय उपलब्ध नहीं है बस वहीं पर भारतीयों की भर्ती की जाए, क्योंकि उसने कहा कि एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट। अरे भैया, अगर एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट तो तुम अंग्रेजों के अंदर करप्शन क्यों दूर कर रहे हो? करप्शन इज अ फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जहां गरीबी होगी, जहां मारामारी होगी, वहां करप्शन भी होगा। तो कॉर्नवालिस ने पहला काम क्या किया? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसमें सबसे बड़ा काम क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा, जुडिशियल रिफॉर्म्स, सिविल कोर्ट की हायरार्की एस्टैब्लिश की, फौजदारी कोर्ट को एस्टैब्लिश किया, फौजदारी कानून में सुधार किया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और इन सबसे बड़ा काम जो उसने किया, मैसूर वॉज पैरालाइज्ड। मैसूर को अपंग कर दिया। मैसूर, चार काम। पहला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार में सबसे बड़ा काम क्या किया? स्थाई बंदोबस्त। जुडिशियल, सिविल कोर्ट को हायरार्की दी, फौजदारी कोर्ट को एस्टैब्लिश किया, फौजदारी कानून में सुधार किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सिविल सेवा को, या कौन सा सिद्धांत? सेपरेशन ऑफ पावर। मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट का जन्मदाता। और चौथा सबसे बड़ा काम किया, मैसूर को अपंग किया। अब कैसे किया मैसूर को अपंग? अगली हेडिंग डाल लीजिए, मैसूर। कर्नाटक मैंने आपको पढ़ाया, बंगाल मैंने आपको पढ़ाया, और अब मैसूर। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप क्यों फ्री पढ़ा रहे हैं? कहां फ्री पढ़ा रहे हैं? किसको लग रहा है फ्री पढ़ा रहे हैं? इतने मैसेज मुझे आते हैं। कल मुझे एक मित्र का, मेरे भाई का मैसेज आया कि वो अस्पताल गया और उन्होंने एक बहुत ही असहाय व्यक्ति को पैसा दिया दवाई खरीदने का, फल खरीद कर दिया, अनाज खरीद कर दिया। कहां फ्री पढ़ा रहा हूं? कौन कह रहा है फ्री पढ़ा रहा हूं? कल मैसेज किया उन्होंने, कहा आपने मना किया था इसलिए मैंने फेसबुक पर फोटो नहीं डाली। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, दान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो जो रसीद उन्होंने सामान खरीदवाया था उसको एज अ एविडेंस मुझे भेजा कि सर ये देखिए, ये मैंने दवा खरीदवा के दी, ये मैंने फल ले आके दिया है, और ये अनाज खरीदवा के दिया है। अब सर किसी का घर ले लोगे? कुछ ऐसे भी महापुरुष है जो कह रहे हैं सर पूरी हिस्ट्री फ्री पढ़ा दो। ये हरामखोरी की आदत छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। हालांकि मैं किसी को कुछ मना नहीं करता, आप करो जो आपको करना है। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि आप पूरा हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, सब कॉपी हो जाएगा, सब मजार में
सस्ते में बेच देंगे, आपकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। अरे तो मेरी मार्केट वैल्यू थी ही कब? कभी कभी तो लोग मैसेज करते हैं कि आपका वो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पूरा नो वीडियो वो जो है पायरेटिंग हो रही, होने दो। जितना पैसा मैंने पढ़ा के नहीं कमाया होगा उतना मेरे मित्रों ने मेरी छोटी छोटी क्लिपिंग बना के कमा रहा है। किसी का घर चल रहा है ना। पर मेरा एक आप लोगों से निवेदन है, जितने लोग मेरी वीडियोस की क्लिपिंग बना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जो थंबनेल बनाते हैं ना सर, उसमें अच्छे भाषा का उपयोग करें। सतही आकर्षित करने के लिए नंगे ना हो जाएं, कुछ गरिमामयी भाषा का प्रयोग करिए, कुछ दिखाइए। आप तो बस लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी। कुछ भी मैं नहीं चाहता। मैं किसी का चैनल बंद कराऊं, मुझसे बहुत लोगों ने, हमारा जो ये टीम है जो पूरी मैनेज करती है, कहती सर सबका चैनल बंद करा। तुमने कहा नहीं यार, तुम्हें अगर मेरी वजह से 10 रुपए का फायदा हो रहा है खाओ यार, हमें क्या लेना देना है। पर यार अपनी गरिमा को तो मत खो। कुछ भी लिख दोगे, पढ़े लिखे हो, टैलेंटेड हो, योग्य हो, कम से कम वो छोटा सा बच्चा हो, बचपन का प्यार गा के गाना कमाया ना, उसने कौन सा गंदा गाना गाया कि सैया के साथ मड़ैया में, उसने ये गाना तो नहीं गाया ना, कितना शालीन गाना गाया उसने। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, उसने हर आदमी के दिल को टच किया, क्योंकि हर आदमी ने बचपन में किसी ना किसी से प्यार किया है। और वो जो रूडिमेंटरी फॉर्म में उसने गाया है, उसने हर दिल को टच किया है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप चैनल बनाइए, आप वीडियो डालिए, आप कमाइए, लेकिन गरिमा का ध्यान रखिए। कम से कम इतना संस्कार तो अपने अंदर रखिए कि सर अच्छा लगे, आप के काम को देखकर अच्छा लगे। कुछ तो अच्छा करो यार जिंदगी में। मैसूर, एक पिता पुत्र की कहानी। मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान। अब मैसूर जो है वो केव ऑफ अली बाबा है। समृद्धि, अकूत खजाना, अकूत अली बाबा की गुफा, अकूत खजाना। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेस, कृष्णा तुंगभद्रा दुआब। कृष्णा तुंगभद्रा दुआब, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कोलार गोल्ड माइंस, सैंडलवुड फॉरेस्ट, कार्डमम हिल्स, एंड देन द पोर्ट्स, बंदरगाह। अकूत संपत्ति का केंद्र मैसूर, अकूत। और एक सिद्धांत मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रॉस्पेरिटी कैनॉट सर्वाइव विद वीकनेस।
समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं रह सकती। ये फॉर्मूला है सर। जब जब ये देश कमजोर हुआ, विदेशियों ने लूटा, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, शक कुषाण आए, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, हूण आए, भारत सामंतवाद का शिकार हुआ, तुर्क आए, तुर्क खत्म हुए, मंगोल आए, मुगल आए। समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं रह सकती। आपका मकान है 5 एकड़ में मार्बल का, रोल्स रॉयस है, लंबॉर्गिनी है, चॉपर है प्राइवेट, लेकिन आपका घर जो है वो स्लम एरिया में है, आपके चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं। तो जिस दिन आप कमजोर पड़ेंगे, ये झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे। और 18th सेंचुरी में मैसूर पर वडियर वंश का शासन था। वडियर डायनेस्टी, और राजा था चिक्का कृष्ण राजा। चिक्का कृष्ण राजा इनको डांस करने का बड़ा शौक था। 13-13, 14-14 घंटे ये डांस की प्रैक्टिस ही करते थे। राजा बहुत परेशान है तो डांस देख लेगा, गाना सुन लेगा, 14 घंटा खुद ही करेगा। इतना समृद्धशाली साम्राज्य क्षेत्र अयोग्य शासक के अधीन, और इस अयोग्य शासक का फायदा उठाते हुए फ्रेंच, मराठा, निजाम, इंग्लिश, ये सब मैसूर की टेरिटरी पर हमला करते थे, लूटते थे, चले आते थे, क्योंकि समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं रह सकती। ये सब हमला करते थे, लूटते थे और चले आते थे। और क्राइसिस इन अ नेशन इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। फॉर होम? फॉर द टैलेंटेड पर्सन। क्राइसिस इन अ नेशन इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। संकट योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होता है। फ्रेंच क्रांति नेपोलियन के लिए अवसर बन गई। इकोनॉमिक डिप्रेशन हिटलर के लिए अवसर बन गया। संकट योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होता है, और मैसूर घोर संकट से गुजर रहा था, और इस घोर संकट में मैसूर की रक्षा की वहां के एक सिपाही ने, हैदर अली, और यहीं से कहानी शुरू हुई हैदर अली की। चलिए आज इतना पूरा करिए, फिर सुनाता हूं हैदर अली और टीपू सुल्तान की कहानी। जय हिंद।